नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं समझाने वाला हूं आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एक चैप्टर ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड लगभग 45 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो, जिसमें पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, द रेट एट विच द ब्रेकिंग सिस्टम वाइल्ड ब्रिंग द व्हीकल टू द स्टेशनरी पोजिशन फ्रॉम अ गिवन स्पीड इज नॉन एज। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, जो भी हमारी गाड़ी होती है जब चलती है, फिर उसको हम जो ब्रेक से रोकते हैं, उस टाइम जो ब्रेक से हम रोकते हैं चलती हुई गाड़ी को, वह किस रेट से रोका जाता है, उस रेट को किस नाम से जाना जाता है। तो जिस रेट से हम गाड़ी को रोकते हैं उसको जाना जाता है टॉर्क के नाम से। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। याद रखें, जब भी हम जिस भी क्वेश्चन के जिस ऑप्शन को ग्रीन कलर से हाईलाइट करूं, आप समझ जाएंगे उस क्वेश्चन का ग्रीन ऑप्शन वाला जो भी ऑप्शन है वह राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, द मैकेनिकल ब्रेक्स आर यूज्ड। जो मैकेनिकल ब्रेक होते हैं वह कहां पर यूज किए जाते हैं। तो यहां पर जो इसका आंसर है वह है मोपेड। जो मोपेड से होता है, बी कलर का बी ऑप्शन है, यह इसका राइट आंसर है। लेकिन मोपेड होते क्या है, आप जानते हैं क्या? नहीं जानते, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। मोपेड एक टर्म है, जो भी हमारी स्मॉल व्हीकल्स होती हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो, ये सब किस कैटेगरी में आती हैं? मोपेड के कैटेगरी में आती हैं। तो आप समझ गए होंगे मोपेड क्या होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हैंड ब्रेक्स आर आल्सो कॉल्ड। जो हैंड ब्रेक होते हैं वह कहाँ पर यूज किए जाते हैं? तो आप जानते होंगे सभी, फोर व्हीलर में अगर आप बैठे होंगे या चलाई होगी तो आप जानते होंगे, जब भी हम गाड़ी को पार्क करके रखते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? जो भी हमारा हैंड ब्रेक है उसका यूज करते हैं। तो पार्किंग ब्रेक्स होता है हैंड ब्रेक। तो जो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। यहाँ पर एक हमने नोट लगा रखा है, यदि आप ऐसे ही क्वेश्चन की, किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर दिया इस पर संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, मैकेनिकल के किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हैंड ब्रेक इज इन कार अप्लाइड व्हेन द व्हीकल्स। जो अभी हमारी व्हीकल्स होती है उसमें हैंड ब्रेक अप्लाई किया जाता कब? जब हम गाड़ी को पार्क करते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वह वर्क करते हैं किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं? तो वह होते हैं पास्कल लॉ पर। पास्कल लॉ भी आप जानते होंगे, ठीक है, ये बहुत सरल आंसर है और ए वाले क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। जो भी हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है उस पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ट्रैप्ड एयर फ्रॉम द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। जो भी हमारी जो एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर से जो हमारी एयर होती है उसको रिमूव किया जाता है, वह क्रिया क्या कहलाती है, या फिर बोल सकते हैं वह ऑपरेशन क्या कहलाता है? तो वह होता है ब्लीडिंग। बी वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है ब्लीडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द मेन कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो आप इसको रट लें, ये होता है मास्टर सिलेंडर। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मास्टर सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ड्रम ब्रेक्स है, यहाँ पर ब्लैंक दिया, ड्रम द इंक्लोज द ब्रेक्स असेंबली ऑफ ईच व्हील। तो यहाँ पर मटेरियल की बात की जा रही, तो ये जो मटेरियल होता है वो जिसमें असेंबल रहता हुआ होता है मेटल ब्रेक। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नावा डेज ड्रम ब्रेक्स यूज ओनली। आजकल जो ब्रेक ड्रम्स यूज किए जाते हैं वह कौन से व्हील में किए जाते हैं? तो वह किए जाते हैं रियर व्हील में। कौन सा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रियर व्हील। इस पर मैं टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द टॉप ऑफ द शू आर अटैच विद द शू। जो भी हमारे शू टॉप पे अटैच होते हैं वह कहाँ पर अटैच होते हैं? तो वह होते हैं मास्टर सिलेंडर के अंदर। मास्टर सिलेंडर के अंदर टॉप पर अटैच रहते हैं। ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डिस्क रोटेट्स विद द, जो हमारी डिस्क रोटेट होती है वह किसके साथ होती है, तो वह होती है व्हील हब के साथ। इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ब्लैंक दिया हुआ इज कनेक्टेड टू द सम स्टेशनरी पार्ट ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स के कुछ स्टेशनरी पार्ट कनेक्ट रहते हैं किसके साथ, ए रहते हैं कैलिपर के साथ, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड द ऑल अंडर प्रेशर फ्रॉम द, जो ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं वह इसका जो किसके प्रेशर के साथ अप्लाई किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं मास्टर सिलेंडर के साथ, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन द ब्रेक्स पेडल पुश्ड एयर इन रिमूव्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ द वैक्यूम लाइन, क्वेश्चन के अंदर पूछा है जब ब्रेक पेडल को पुश किया जाता है तो एयर जो रिमूव होती है वन साइड ऑफ द वैक्यूम लाइन की, तो वह किसके साथ, वह किसके अंदर होती है, डायफ्रेम के अंदर। क्या होता है, डायफ्रेम होता है, उसके अंदर इस तरह की क्रिया होती है या ऑपरेशन होता है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हिंदुस्तान मोटर्स ऑफर द पावर ब्रेकिंग यूनिट ELGI टाइप ऑफ देयर, क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है यहाँ पर जो भी गाड़ियों के नाम लिखे उसमें जो हिंदुस्तान मोटर्स है वह पावर ब्रेक मतलब प्रोवाइड कराती है ELGI टाइप की, वह किसके अंदर, तो ये होते हैं एम्बेसडर के अंदर, कौन सा होता है, एम्बेसडर के अंदर प्रोवाइड कराती है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन एयर ब्रेक सिस्टम द व्हीकल इज ब्रेक्ड एक्सक्लूसिवली वाई एन एक्सटर्नल फोर्स जनरेटेड, क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि जो एयर ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो एयर के ऊपर ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके द्वारा हमारे ब्रेक रुक जाते हैं, तो इसमें जो यूज की जाती है वह होती है कंप्रेसिव एयर। कंप्रेसिव एयर मतलब ब्रेक पेडल दबाते हैं तो एयर कंप्रेस होती है और वह फोर्स लगाती है, इससे हमारी गाड़ी रुक जाती है, ब्रेकिंग इफेक्टिव हो जाती है, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABS स्टॉप्स द व्हील्स फ्रॉम लॉकिंग व्हिच हैपेंस, जो भी हमारा ABS स्टॉप्स होता है मतलब जो सिस्टम होता है उससे जो गाड़ी को हम रोकते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है, तो उसमें होता है व्हेन द व्हीकल इज स्टॉप, मतलब व्हीकल क्या होती है, रुक जाती है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ABS स्टॉप्स क्या होता है, व्हीकल को लॉक करने का सिस्टम होता है, उसमें क्या होती है, गाड़ी हमारी रुक जाती है, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ABS इज यूज्ड टू एडजस्ट द ब्रेकिंग प्रेशर, ब्रेक प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए ABS का कौन सा कंपोनेंट होता है इन चारों में से हमें बताना है, तो ये होता है प्रेशर कंट्रोल वाल्व, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस पे मैं हाईलाइट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें पूछा जा रहा है एरो लगा के एक कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम है, ये एरो लगा हुआ है तो आपने ये देखा होगा, तो ये होता है डिस्क ब्रेक सिस्टम, कौन सा होता है, डिस्क ब्रेक, तो बी सी वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों के आंसर आपको मिल गए होंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कुछ डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने लगे जिसमें डायरेक्ट या तो पूरा डायग्राम के बारे में पूछा जाता है या फिर उसके किसी एक पार्ट के बारे में पूछा जाता है, एरो लगा देते हैं या कोई सिंबल बना देते हैं उसके थ्रू पूछा जाता है कि एक किस एक इस पार्ट का नाम क्या है या फिर इस सिस्टम का नाम क्या है, जैसा कि इसके अंदर ये पूछा गया, तो ये हमारा डिस्क ब्रेक है, ये एरो लगा दिया गया कि इस एरो से बताओ पहचान के कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक डायग्राम बना हुआ है, पूछा गया है किस टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम है, यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरह का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वह होता है ड्रम ब्रेक, तो ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, ड्रम ब्रेक, इस पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन की आप PDF चाहते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की या मैकेनिकल के किसी भी सब्जेक्ट की, लेकिन याद रखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो आप खरीद सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर संपर्क करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच डिवाइस परमिट्स एयर टू द एयर ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जो एयर को परमिट करती है एयर ब्रेकिंग सिस्टम, ये होती है ब्रेक वॉल्व, क्या होता है, ब्रेक के अंदर जो वॉल्व यूज किया जाता है वह डिवाइस परमिट करती है एयर को एयर ब्रेकिंग सिस्टम में, ये भी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सेमी मेटालिक ब्रेक लाइन, जो भी हमारी सेमी मेटालिक ब्रेक लाइन है उसमें कौन सा मटेरियल
यूज किया था, तो ये होता है फाइन पॉलिश्ड स्टील बॉल, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द वाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग, जो ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग है उसमें कौन सा वाइंडिंग के लिए मटेरियल यूज किया था, तो ये किया था रेजिन, तो ए वाला ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज इन द एयर ब्रेक सिस्टम, जो एयर ब्रेक सिस्टम है उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट यूज किया था, और दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंस समझेंगे। यहाँ भी लिखा व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज इन एयर ब्रेक सिस्टम, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में, और इनके आंसर अलग तरह से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि कंपोनेंट लिखा आता तो उसमें हम देखते हैं अनलोडर बॉल, इस हिसाब से बी क्लास में ऑप्शन लगाते हैं, और जबकि ये पूछा जाता है डिवाइस यूज, कौन सी डिवाइस यूज किया थी, तो ये होती है ब्रेक बॉल, कौन सा है 25 क्वेश्चन नंबर है ब्रेक बॉल। तो इस तरह के इनके आंसर दिखाए गए हैं, यदि इसमें ए भी ऑप्शन होता कंपोनेंट के अंदर तो हम वो ब्रेक बॉल और अनलोडर दोनों पर ही ओके कर देते, या तो ये क्वेश्चन गलत है जिसमें या तो नॉट इनमें से यस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हमारे कहने का मतलब, यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन देख के अच्छे से आंसर पे टिक करें, क्योंकि यहाँ ब्रेक वॉल्व ये भी कंपोनेंट या डिवाइस हो सकती है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो 25 नंबर का क्वेश्चन है ये एकदम से राइट क्वेश्चन भी, राइट आंसर भी है। ठीक है, 24 नंबर के क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, तो 25 का आंसर आपको मिल गया होगा ब्रेक वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रेक एडजस्टर, जो ब्रेक एडजस्टर होता है उसका नाम क्या होता है, इसका आंसर है सी वाला, ये होता है सेरेटेटेड व्हील ब्रेक एडजस्टर, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर ब्रेक रोटर्स एंड ब्रेक पैड्स फॉर एयरक्राफ्ट एंड रेसिंग कार्स, जो एयरक्राफ्ट एंड रेसिंग कार है उसके अंदर जो रोटर्स यूज करते हैं और पैड्स यूज करते हैं उसमें किस मटेरियल का बना होता है, तो ये बनाता है कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड कार्बन कंपोजिट मटेरियल का, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मेक ब्रेक ड्रम, ब्रेक ड्रम को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है, तो इसमें किया जाता है हाई कार्बन स्टील का, किसमें हाई कार्बन स्टील का यूज किया जाता है ब्रेक ड्रम को बनाने में, तो बी वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मोस्ट इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम फॉर अ फोर व्हील व्हीकल्स, जो भी हमारी फोर व्हीलर व्हीकल होती है उसमें मोस्ट इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम कौन सा होता है, तो इसके आंसर के अकॉर्डिंग देखें तो जो चारों व्हीलों में ब्रेकिंग सिस्टम होता हुआ है मोस्ट इफेक्टिव होता है, इसका ऑल व्हील ब्रेकिंग सिस्टम ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर, सिलेंडर प्रोड्यूस हाइड्रोलिक प्रेशर व्हिच कॉजेज मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है ब्रेकिंग शू के कारण, कौन सा ब्रेकिंग शू के कारण, जो भी मूवमेंट होता है जो इफेक्टिव ब्रेक होता है ब्रेकिंग सिस्टम होता है वह किसके कारण, जो भी हमारा ब्रेक लगता है ब्रेक शू के कारण। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रेकिंग इज प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द ब्रेक ड्रम एंड, जो भी हमारा ब्रेकिंग सिस्टम होता है वह प्रोड्यूस होता है कि ब्रेकिंग ड्रम एंड किसके बीच में, तो ये होता है ब्रेक शू और ब्रेकिंग ड्रम के बीच में, जब भी हमारा ब्रेक लगता है इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ डिस्क ब्रेक द डिस्क इज अटैच टू द, जो डिस्क ब्रेक होता है उसमें जो डिस्क ब्रेक अटैच डिस्क अटैच होती है किसके साथ होती है, तो वह होती है व्हील आपके साथ डिस्क अटैच होती है, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द हैंड ब्रेक यूजली ऑपरेटेड, जो हैंड ब्रेक होते हुए किस वाले व्हील को ऑपरेट करते हैं, तो ये करते हैं रियर व्हील को, बी ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे मतलब तीन क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द डिस्क ब्रेक्स पैड टू डिस्क एडजस्टेड इज प्रोवाइड, जो भी एडजस्टमेंट प्रोवाइड किया जाता है डिस्क ब्रेक के अंदर वह किसके द्वारा, तो ये होता है पिस्टन सील के द्वारा, किसके पिस्टन सील, मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ब्रेक लाइनिंग कंसिस्ट मेनली, जो ब्रेक लाइन जो ब्रेक लाइनिंग होती है किस मटेरियल की बनी होती है, ये बनी होती है एस्बेस्टस की, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ट्रैप्ड एयर फ्रॉम द हाइड्रोलिक सिस्टम, ये क्वेश्चन मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, जो भी हमारे एयर को रिमूव करने की प्रक्रिया होती है ऑपरेशन होता है हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर वह होती है ब्लीडिंग, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द ब्रेक व्हील्स गेट लॉक्स बिफोर द व्हीकल स्टॉप, मतलब व्हीकल रुकने से पहले ही हमारे व्हील लॉक हो जाते हैं, द व्हील आर सेट टू, तो उन व्हील को क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे स्केडिंग, क्या बोलेंगे स्केडिंग, मतलब जो हमारी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको आंसर मिल गया होंगे चारों क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्रेक्स आर ऑपरेटेड, जो भी मैक्सिमम जो भी हमारे ब्रेक यूज किए जाते हैं वह किस सिस्टम के द्वारा ऑपरेटेड किए जाते हैं, तो वह होता है हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा, या फिर हाइड्रोलिकली होता है, मतलब जो भी हाइड्रोलिक ब्रेक होता है जिसमें क्या होता है, जो भी हमारा लिक्विड वगैरह यूज करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम आप जानते होंगे जो कि पास्कल लॉ पे काम करता है, इस तरह के क्वेश्चन में ऊपर बता चुका हूं। तो जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम का सबसे ज्यादा यूज किया था, ये क्वेश्चन में यही पूछा गया था, द मोस्ट वाइडली यूज ब्रेक्स आर ऑपरेटेड, जो मैक्सिमम ब्रेकिंग सिस्टम है वह किस सिस्टम पर ऑपरेटेड होते हैं, तो वह होते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रेक शू आर मेड ऑफ, जो ब्रेक शू होते हैं वह किसके बने जाते हैं, तो यह बने जाते हैं प्रेस्ड स्टील के भी बने जाते हैं और कास्ट आयरन के भी बने जाते हैं, तो डी वाला ऑप्शन ए बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ब्रेक लाइनिंग इज माउंटेड ऑन, जो ब्रेक लाइनिंग होती है वह किस पर बनी जाती है, तो वह बनी जाती है ब्रेक शू के ऊपर। सभी लोगों ने देखी होती जब ब्रेक लाइनिंग जो घिस जाती है शू के ऊपर, तभी हम शू चेंज करवाते हैं, इस तरह के आंसर आपसे नॉर्मल बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन जनरल इन ऑल व्हीकल्स पार्किंग और हैंड ब्रेक्स, जो भी व्हील पार्किंग होती है वह किस टाइप के ब्रेक होते हैं, तो ये होते हैं मैकेनिकल टाइप, जो भी हमारे हैंड ब्रेक होते हैं किस टाइप के होते हैं, मैकेनिकल ब्रेक टाइप का, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब बचे हुए क्वेश्चन उनकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ द लॉ विच गवर्न्स हाइड्रोलिक प्रेशर इज ब्रेक सिस्टम, ये दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मैं इस तरह का क्वेश्चन और भी बता चुका हूँ, बीच में भी बता चुका हूँ, जो भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें जो जो काम करता है प्रेशर, वह किस सिस्टम पर काम करता है, पास्कल लॉ पे, क्योंकि पास्कल लॉ आप सभी लोग जानते होंगे कि जब कैसा मतलब प्रेशर लॉ होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम प्रेशर लगाते हैं किसी भी लिक्विड या फ्लूइड पर, तो वह चारों सभी दिशाओं में एक समान लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज फॉर ब्रेक ड्रम, ब्रेक ड्रम में कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया जाता, तो वह कॉपर यूज नहीं किया जाता, जबकि तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस, जो ऊपर एबीएस लिखा था उसका परफॉर्म भी आपको पता चल गया होगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और इसका मेन एडवांटेज क्या, तो ये इट अलाउ यू टू स्टीयर व्हाइल ब्रेकिंग, ब्रेकिंग सिस्टम के दौरान जो भी हमारी स्टीयरिंग है उसको अलाउ करता है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के हमारे 45 क्वेश्चन थे, हमने हिंदी इंग्लिश में लिख रखे हैं, आप हमारी अगर भाषा कई बार ऐसा होता नहीं समझ में आती है, सुनाई नहीं देती है, तो आप पढ़कर भी समझ सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन का फायदा जरूर लें, वीडियो पूरा देखें, और जो भी हमारा अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।